हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है संडे, सुबह सुबह मैं गई चनुआ सट्टी, वहाँ से फल लेकर आई हूँ, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, बेल, पपीता, ये सब, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती तो बहुत सारा काम रहता है। तो पहला काम तो यही होता है कि सट्टी जाकर सब्जी फल वगैरह ले आना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं छत पर आई हूँ, एक्चुअली मैं अभी वहाँ से फल मंडी से आ रही हूँ। फल मंडी से देख आपको जैसे मैंने पहले ही दिखा दिया कि फल ककड़ी वगैरह मैं लेकर आई हूँ। सप्ताह भर लाना होता है क्योंकि फिर स्कूल जब चलने लगता है तो फिर मौका नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ले आई हूँ। और फिर छत पर आ गई हूँ, ये सब जो है मैंने देख पूरे किचन गार्डन को तहस नहस करना है, उसके बाद की स्थिति मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चौराई लगी हुई है और इसमें इतना घास उग गया है, और साथ ही इधर पालक है और ये करीमुआ का साग है और इधर अरबी का पत्ता है, इधर मिर्ची लगी हुई है, टमाटर का पेड़ है और इधर देखिए ये मिर्ची का जो है लाल लाल है, पक गया है। ये छोटे साइज का गोल गोल होता है और साथ ही इसमें आम लगे थे, आम तो झड़ गए और एक गमले में और आम है। इधर देखिए इसमें भी देखिए बॉल लगा हुआ है और देखते हैं इसमें आम लगता है कि नहीं लगता है। और देखिए ये मैंने क्या किया, ये सब मैंने देखिए ये पूरा यहाँ पे पालक और टमाटर, बैंगन और दूसरी सब्जियाँ भी थी, करेला वगैरह था, लौकी, नेनुआ, इन सबको मैंने उखाड़ दिया है। अब इतना ज़्यादा गर्मी भी हो गया था और सारे पौधे जो थे उनकी साइज मतलब बैंगन की क्वालिटी ख़राब हो गई थी, और भी जो भी फल लग रहे थे, सब्जी लग रही थी, वो बहुत छोटे साइज का हो रहा था, इसलिए मैंने सबको उखाड़ दिया है। अब उखाड़ने के बाद मैं इसको कम से कम ऐसे ही 10-15 दिन या एक महीना ऐसे ही रहने दूंगी। इसके अंदर थोड़ा सा गोबर वाला खाद वगैरह डालूंगी, पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें सब मिक्सअप हो जाए और ये जो मिट्टी है एक बार फिर से फर्टाइल हो जाए। और साथ ही इधर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए मेरा मौसम्मी का पेड़ है जिसके अंदर ये देखिए मौसम्मी लगा हुआ है। मौसम्मी इससे पहले मैंने तोड़ा था, 6 मौसम्मी तोड़ा था, इसमें भी 2, 3, 5, 6 और इधर है 7, 8 है मौसम्मी इस समय इसमें लगे हुए हैं। तो ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन था जिसको मैंने आधा से ज़्यादा तहस नहस कर दिया है। अब ये जो बाकी बच्चा है इसको मैं अगले संडे कर दूंगी। आज तो मैंने इधर कर दिया, अब उस संडे को मैं इस सबको भी अच्छे से साफ कर दूंगी और एक डेढ़ महीने के आसपास मैं इसको ऐसे खाली रखूंगी। फिर जब मैं इसमें कोई नया पौधा जब लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे यहाँ पे अपने किचन गार्डन की पूरी वो करती हूँ। और इससे बहुत बेनिफिट भी है, बहुत सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ भी मिल जाती है। एक गोभी का फूल भी है, आज इसको निकाल लेते हैं। और ये पुदीने की पत्तियां हैं, इधर ये सब है, ये अमरूद का पेड़ है, इसमें 4 अमरूद लगे थे, अब मात्र 1 रह गया, बाकी सारे गिर गए। छोटा सा पेड़ है, अभी इसी साल लगाए हैं। तो ये देखिए मैंने इतनी लाल मिर्ची भी तोड़ ली है और देखिए और क्या क्या तोड़ा है। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ चौलाई की पत्तियां तोड़ ली हैं और ये मैंने तोड़ लिया पालक की पत्ती, और ये देखिए लाल मिर्च, इसको मैं सुखवा लूँगी। और अभी मेरा रिक्वज भी बनाने का मन है, तो कुछ पत्तियाँ मैं, ये सारी पत्तियाँ लगभग टूट जाएंगी, तो ये रिक्वज बनाएंगे। और ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। इस तरह मैं आज के दिन का अंत करती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।